नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वेस्ट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड 58,832 मतों से विजय हासिल की है। आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये सीट पर हैट्रिक रहा है, क्योंकि इससे पहले भी दो बार ममता बनर्जी सीट से जीत हासिल कर चुकी है। चलिए आपको बताते हैं इस हैट्रिक के पीछे की कहानी क्या है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा चुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार प्रियंका डिबरेवाल को 58,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद ममता ने 58,390 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बता दें, भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है। टीएमसी प्रमुख लंबे समय से इस सीट का प्रतिनिधित्व करती आई है। बता दें कि ममता बनर्जी के लिए सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। इस उपचुनाव में ममता बनर्जी को कुल 84,709 वोट मिले हैं। बीजेपी की प्रियंका डिबरेवाल 26,320 वोट पाई है, जबकि सीपीएम कैंडिडेट श्री जिब को मात्र 4,201 वोट हासिल हुए हैं। भवानीपुर सीट से धमाकेदार जीत दर्ज करके ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में मिली हार का बदला ले लिया है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनाव के नतीजों में टीएमसी के पक्ष में चाहते दिख रहे हैं। इधर बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका डिबरेवाल ने अपने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं हार स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रही हूं। लोग कह रहे थे कि ममता 1,00,000 वोट से जीतेंगी, लेकिन उन्हें लगभग 50,000 वोट मिले हैं। मैं ममता बनर्जी को बधाई देती हूँ, लेकिन वह जिस तरह से चुनाव जीती है उसे सभी लोगों ने देखा है। तो जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है, वहीं दूसरी ओर बाकी के दो सीट जिन पर उपचुनाव हुए हैं, जिनका मतगणना अभी हो रहा है, ऐसे में उन सीटों पर भी जीतते हुए नजर आ रही है। शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर अभी भी गिनतियाँ हो रही हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दोनों सीटों पर भी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आखिर इन दोनों सीटों का रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।